अर्चना गौतम के एलिमिनेशन पर आया राहुल वैदिक का ऐसा रिएक्शन। आज बिग बॉस के घर में काफी शॉकिंग एलिमिनेशन हुआ, जहां पर कुछ इस तरीके से शिव ने अर्चना को प्रोवोक किया, ट्रिगर किया, उनको कुछ ऐसी बातें बोली जिससे अर्चना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि उनके लिए गलत साबित हुआ, क्योंकि उनको शो से निष्कासित कर दिया गया। अब आज का एपिसोड देखने के बाद लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अर्चना के साथ सही हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि शिव ने इतना प्रोवोक किया इसी वजह से अर्चना को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इनफैक्ट बिग बॉस के काफ़ी सारे एक्स कंटेस्टेंट सामने आए हैं, जैसे कि देबोलीना, राहुल वैद्य, उर्वशी ढोलकिया, डॉली बिंद्रा और गौहर खान, ये सब अर्चना के साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि शिव ने प्रवोक किया है, कहीं ना कहीं इसी वजह से अर्चना का एलिमिनेशन हुआ। अब राहुल वैद्य, जो कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, शो को भी काफ़ी अच्छे से फॉलो करते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, आई एम हियरिंग अर्चना गौतम हैज हिट शिव, इट्स एब्सोल्युटली नॉट डन, सो बिग बॉस इज राइट टू इविक्ट हर। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैंने जो सुना है कि अर्चना ने शिव को मारा है और कहीं ना कहीं इस वजह से उसका एलिमिनेशन हुआ है, बट एक फैक्ट ये भी है कि अर्चना गौतम बिग बॉस की मोस्ट इंटरटेनिंग कंटेस्टेंट थी, फार एंड टॉक सो मच सेंस मोस्ट ऑफ द टाइम एंड द शो विल बी फ्लड। जी हाँ, कई बार हमने देखा है कि उसने समझदारी से बात की है और शो उसके बिना यहाँ पर फ्लैट होने वाला है। मुझे लगता है कि उसकी शो में, उसको शो में बुलाया जाएगा, ये बात कही है राहुल वैद्य ने। राहुल वैद्य का कहना है कि जो भी उसने गलती की उसकी, उसको सजा मिली, लेकिन उसके बिना शो जो है फ्लैट है और उसको शो में दोबारा से बुलाया जाएगा, क्योंकि वो एक ऐसी कंटेस्टेंट है बिग बॉस में, मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट अर्चना गौतम है। फिलहाल दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप कितना सहमत है राहुल वैद्य की बातों से? थैंक यू।